आप इन कमाल के लाइफ हैक्स को नहीं जानते थे। एक ऐसा शहर जो कि आपके बेडरूम से भी छोटा है, कैसे आप इस वेबसाइट पे जाके आपके घर में कौन मरा था ये जान सकते हो, और क्यों आपको आपके बाल धोने वाले शैम्पू से कभी अपनी बाइक्स नहीं धोने चाहिए। भाई वीडियो बहुत कमाल का है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर। नंबर 21, अगर आपको अपने बुक के मिडिल पेज में कोई एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है तो आपको इतना करना है, बस एग्जिस्टिंग पेज को ऐसे फोल्ड करके न्यू वाले पेज को लगाना है। ये एकदम फिट तो नहीं लगेगा पर काम चलाने लायक है। अगर आपको ये आज पता चला तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। नंबर 20, पिछले साल सबसे ज्यादा यूज किया गया वर्ड कौन सा है? आपको नहीं पता होगा लेकिन वो वर्ड है वुमेन। वो भी ये लास्ट के 2 मंथ में ही इतना ज्यादा यूज हुआ था कि पूरे साल में सबसे ज्यादा इसे ही यूज किया गया था, और उसका कारण था एक वायरल मीम वुमेन वाला। नंबर 19, कई रिसर्च में ये पता चला कि जो व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, यानी कि कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं जो कि मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ज्यादा खर्च करते हैं, जैसे कि जूते और कपड़े। नंबर 18, पूरे वर्ल्ड में जितना भी पिजन का पूप है वो सब ब्रिटिश क्राउन की अमानत है। हाँ ये बहुत सारा वियर्ड है, लेकिन आप किसी भी पिजन पूप को लेकर नहीं कह सकते कि वो आपका है, क्योंकि वो ब्रिटिश वालों का है। यार इन लोगों ने इंडिया के खजानों के साथ पूरी दुनिया से पूप भी चुरा लिया। नंबर 17, आपने मूवीज में तो साइंटिफिक लैब को ऐसे देखा होगा जो कि काफी कमाल के और एकदम हाईटेक लगती है, पर रियल लाइफ में ज्यादातर जो लैब होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, और ज्यादातर सामान यहाँ पर भरा पड़ा होता है और मूवीज की तरह इतनी क्लीन और हाईटेक नहीं दिखती। नंबर 16, अगर आप US में रहते हो तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है या नहीं। आपको बस diedinhouse.com पर जाना है और वहाँ पर आप अपना एड्रेस डालोगे तो आपके एड्रेस और उसके आसपास के लोकेलिटी का ये सारा इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या कभी वहाँ पर डेथ को रिकॉर्ड किया गया है, या फिर प्रॉपर्टी पर कोई इलीगल एक्टिविटी जैसे कि ड्रग या फिर किडनैपिंग जैसा कुछ भी रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। नंबर 15, हमें इतने दिनों से लगता है कि माउस और रैट एक ही चीज है, पर भाई माउस और रैट एक्चुअली में अलग अलग होते हैं। माउस साइज में छोटे होते हैं, उनके कलर में ज्यादा फर्क तो नहीं होता लेकिन वो थोड़े ब्राउनिश होते हैं। वही रैट साइज में बड़े होते हैं, वो 18 से 25 सेंटीमीटर जितने हैं बड़े होते हैं, और वो कलर में थोड़े ग्रेइश होते हैं। नंबर 14, ऑस्ट्रेलिया में वाइन पानी से ज्यादा सस्ती मिलती है। सच में यार यहाँ पर पानी का रेट इतना ज्यादा है कि इससे सस्ती तो वहाँ वाइन मिल जाती है भाई, पर इंडिया में ऐसा होता तो क्या होता। नंबर 13, जॉर्डन शूज के बारे में आपको पता होगा, इन्हें पहनकर आप करोड़पति दिख सकते हो, लेकिन ये उतने महंगे भी हैं, इसलिए आप इन शूज को भाड़े पर ले सकते हो $20 यानी कि ₹1600 देकर। रेंट ए सेंटर नाम की वेबसाइट पर जाके आप एक वीक के लिए इन्हें ले सकते हो, पर 1600 भी काफी ज्यादा है एक हफ्ते के लिए। नंबर 12, पूरी दुनिया का सबसे छोटा गांव क्रोएशिया में है। ये गांव इतना ज्यादा छोटा है कि यहां पर बस 30 लोग रहते हैं। भाई इंडिया में तो 30 लोगों की बस फैमिली होती है, और कमाल की बात यह है कि इस गांव का नाम भी काफी छोटा है, इसका नाम है हम। नंबर 11, इस वेल को देखो। जी हाँ भाई, ये एक वेल है। अभी जो बड़े बड़े वेल होती है ये वही है, लेकिन ये इनके पूर्वज है। करोड़ों साल पहले वेल कुछ ऐसी दिखती थी, जिसके बाद वो पानी में रहने वाली बन गई, और पानी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उनका साइज भी बढ़ गया। नंबर 10, फोन चार्ज करते वक्त अगर आप फोन का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपकी फोन की बैटरी लाइफ डैमेज हो जाएगी और आपकी फोन की बैटरी खराब हो सकती है। इसी वजह से ज्यादातर फोन के चार्जर में केबल छोटा दिया जाता है ताकि आप फोन चार्ज लगाते हुए ना यूज कर सको। नंबर 9, इंडिया के मुंबई के ताज होटल में इतने ज्यादा फॉरेनर आते हैं कि अब उसे ट्रेडमार्क का सिंबल दिया गया है। ये इंडिया की पहली बिल्डिंग है जिसे ट्रेडमार्क का सिंबल दिया गया है। अगर आपको नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बात है तो मुंबई का ताज होटल अब आईफेल टावर जितना इम्पोर्टेंट बन गया है। नंबर 8, स्पेस में रह रहे एस्ट्रोनॉट को डेली 2 घंटे कसरत करनी पड़ती है। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उनकी बोन भी वीक हो सकती है और उनकी बॉडी में मसल लॉस भी हो सकता है, यानी कि वो कमजोर हो जाएंगे, और वहाँ पर काम करने के लिए हेल्दी रहना जरूरी है। नंबर 7, ये लड़की 2 घंटे तक बिल्कुल ऐसे ही खड़ी रही अपने पापा की जान बचाने के लिए। उनके पापा को सलाइन चढ़ाया जा रहा था, और शायद फोटो कोरोना के वक्त का है जब हॉस्पिटल में सब चीजों की कमी थी। इसी वजह से इस लड़की को ऐसे खड़ा रहना पड़ा ताकि इसके पिता की जान बच सके। नंबर 6, एक बार इस फोटो को देखो। ये फोटो है टोक्यो का। अगर आप टोक्यो को प्लेन के ऊपर से देखते हो तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। टोक्यो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है। आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा बड़ा और अमेजिंग दिखता है। नंबर 5, चांद पर भी वोल्केनो होते हैं। आज नहीं, लेकिन जब अर्थ पर डायनासोर रहते थे, यानी कि अरबों साल पहले, मून पर बिल्कुल अर्थ की तरह एक्टिव वोल्केनो थे और उसमें से लावा भी निकलता था। नंबर 4, भाई जापान को सब लोग टेक्नोलॉजी का पीक समझते हैं, लेकिन जापान एक टीम को इंडिया भेजने वाला है UPI के पूरे सिस्टम को समझने के लिए। यार इंडिया का UPI सिस्टम इतना ज्यादा कमाल का है कि बड़े बड़े देश इसे जलते हैं, और जापान इसे खुद इम्प्लीमेंट करना चाहता है, इसलिए जापान के डिजिटल मिनिस्टर ने इंडिया में टीम भेजी है। नंबर 3, ओयो के जो फाउंडर है रितेश, उनके फादर की हाल ही में डेथ हो गई,
और इसका रीजन था कि वो गुरुग्राम के 28th फ्लोर से अचानक से नीचे गिर गए और उससे उनकी मौत हो गई। मेरी तरफ से रेस्ट इन पीस टू हिम। बेटो कुछ स्मार्ट लाइफ हैक्स जो आपकी डेली लाइफ और स्कूल लाइफ में काम आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नींद आ रही है तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी अपने आंखों को झपकाना है, इससे आपकी आंखें थक जाएगी और आपको जल्दी नींद आ जाएगी। इसी के साथ अगर आपको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर आपका मूड खराब है तो आपको दांतों के बीच पेंसिल रख के उसको बाइट करना है, इससे आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। और अगर आपने गलती से बुक पर कुछ लिख दिया है और उसे आपको रब करना है तो उसे रब करने के लिए आप मास्क टेप का या फिर नॉर्मल टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे ऊपर रखना है और आराम से खींच लेना है तो वो भी निकल जाएगा, लेकिन नॉर्मल टेप में थोड़ा पेपर डैमेज हो सकता है और मास्क टेप में होगा लेकिन वो कम डैमेज होगा। नंबर वन, आपको अपने बाल धोने वाले शैम्पू से कभी भी अपनी बाइक को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जो शैम्पू हम बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच काफी कम होता है, यानी कि वो एसिडिक होता है। और जो बाइक या कार का होता है उसके ऊपर पहले कलर की लेयर लगाई जाती है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर लगाई जाती है जो कि कलर को चमका देती है और कलर को प्रोटेक्ट भी करती है, लेकिन शैम्पू से धोने से ये प्रोटेक्ट लेयर चली जाती है और बाइक या कार में चमक गायब हो जाती है, जिससे आपका कलर भी जल्दी खराब हो जाएगा और आपकी बाइक बहुत ज्यादा पुरानी लगने लगेगी क्योंकि उसकी चमक चली जाएगी। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट्स, आपने सुना होगा कि डिग्री से कुछ नहीं होता, स्किल्स होने चाहिए। तो एक पिक्चर है जो इसे काफी परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। जरा यहाँ देखो, ये गाजर है जो कि ऐसे उगा हुआ है, ये एक्चुअली में नीचे से पूरा उगा हुआ है लेकिन ये दिखाता नहीं कि ये गाजर कम्प्लीटली उगा हुआ है, लेकिन वही राइट में ये गाजर नीचे तो छोटा उगा हुआ है पर बाहर ये बहुत बड़ा दिखता है, जैसे कि ये फुल ग्रोन गाजर हो। तो इसी तरह स्किल्स दिखते नहीं लेकिन डिग्री बहुत दिखती है और ये पिक्चर इसे परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। और सऊदी अरेबिया में फ्लाइंग मैन घूम रहा है जो कि ऐसे दिखता है और ये ऐसे ही नहीं फिर रहा, ये असल में फूड डिलीवरीज डिलीवर कर रहा है, जैसे कि यहाँ इंडिया में जोमेटो और स्विगी वाले करते हैं वैसे सऊदी अरेबिया में ये उड़ते हुए ऐसे डिलीवरीज दे रहा है। गजब है। और आपने टाइज तो ऐसे बनते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कि ऐसे 3 इडियट्स जैसे मूवीज में ऐसे टाई बांधी जाती है जो कि काफी सिंपल दिखता है, लेकिन टाई बांधने का ये इतने ही तरीके नहीं है। टाई बांधने के 177,147 अलग अलग तरीके हैं जो कि यहाँ आपको दिख सकते हैं कि कैसे इतने में ही अलग अलग दिखते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आप मैगी का ये काला सच जानते थे? क्यों नेटफ्लिक्स अपने यूजर्स को जेल में डाल रहा है? अंबानी का ड्राइवर बनने में ऐसा क्या मिल रहा है जिसके लिए लोग लाइन लगा कर खड़े हैं? और बर्थडे के टाइम केक्स पर कैंडल को क्यों बुझाया जाता है? भाई ये वीडियो बहुत मजेदार है तो इसे अभी दबाओ, और अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।